आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसका चैप्टर है 6 नंबर, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी इंग्लिश तो लिख ही दिया है, तब इंग्लिश में देखना जरूरी नहीं है। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर साम्यावस्था क्या है। तो मोटी मोटी भाषा में हम आपको बता देते हैं कि साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। जब संतुलन ठोस चीज में होता है, जैसे तराजू है, तो तराजू में एक पलड़े में 1 किलो का बांट रखा जाता है, और जब हम 1 किलो सब्जी या कुछ भी तौलना होता है, इधर भी 1 किलो रखते हैं, तो दोनों पलड़े की जो ये डंडी है, रॉड, ये बैलेंस हो जाती है। तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ये तो हम ठोस चीजों की बात कर रहे हैं, जब किसी क्रिया यानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसका सीधा सा मतलब हमारा ये होता है कि जैसे ठोस में दोनों तरफ बराबर किया 1 किलो 1 किलो, तो इसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टूटते हैं तो आगे की ओर रिएक्शन जाती है, और फिर वो पुनः बनते भी हैं, यानी पीछे की ओर भी रिएक्शन जाती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में रिएक्शन चलती है। तो जब हमारी रिएक्शन आगे जाने का रेट, यानी आगे जाने की दर पीछे आने की दर के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। तो इसको बारीकी से अब चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, अनेक जैविक एवं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण है। जैविक यानी बायोलॉजिकल, जो जीवों में क्रियाएं होती हैं, एवं पर्यावरणीय क्रियाएं जो वातावरण में होती हैं, इन्वायरमेंट में, जैसे नाइट्रोजन चक्र चलता है, नाइट्रोजन साइकिल। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो वातावरण में चलती हैं हमारे शरीर के अंदर, उदाहरणार्थ जैसे हमारे फेफड़े से मांसपेशियों तक O2 के परिवहन एवं वितरण में O2 अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य की एक निर्णायक भूमिका है। तो हम जो सांस लेते हैं तो हम फेफड़े में ऑक्सीजन खींचते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारी जो नसें फैली हुई हैं जिनमें खून बह रहा है, उनको रुधिर प्रसंचरण तंत्र कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उसके द्वारा, जैसे देखिए बस में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इसका मतलब ये लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो ले जाने का मतलब परिवहन है यानी ट्रांसपोर्ट। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन को हमारा खून नलियों के द्वारा, जिनको आर्टरी और वेन कहते हैं, धमनी और शिरा हिंदी में, तो उनके माध्यम से मांसपेशियों तक ले जाता है, मसल्स तक। तो इसीलिए परिवहन शब्द लिखा है कि खून में मिल करके हमारी ऑक्सीजन, पहले फेफड़ों में हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में जाने के बाद रुधिर नलिकाएं फैली हुई हैं शरीर में, तो उससे वितरण होता है कहाँ, मांसपेशियों में। और ये जो ऑक्सीजन है हमारी, तो खून में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ ये इक्विलिब्रियम बनाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन साम्य में होता है, यानी इक्विलिब्रियम में हो करके हमारी मांसपेशियों तक जाता है।
तो वही कह रहा है फेफड़ों से मांसपेशियों तक ओटू के परिवहन एवं वितरण में ओटू अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य की एक निर्णायक भूमिका होती है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य सीओ की विषाक्तता का कारण है। आप देखिए, हमने पढ़ा है कि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 200 से 250 गुना ज़्यादा क्षमता रखती है जुड़ने की। तो जाहिर सी बात है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में मिल जाए तो हम जब फेफड़े में खींचेंगे हवा को तो O2 और CO2 दो CO दोनों जाएंगे, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चूंकि CO की 200 से 250 गुना क्षमता ज़्यादा है ऑक्सीजन के साम्य बनाने की तुलना में हीमोग्लोबिन से, तो हमारे खून में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज़्यादा अच्छे से इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी साम्य में हो जाएगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी मांसपेशियों से लेकर के पूरे शरीर में फैल जाएगी, जो कि विषाक्त यानी जहरीली है, पॉइजनस है, तो इसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ भी साम्य यानी इक्विलिब्रियम का विशेष रोल है। आप देखिए आगे कह रहा है, कह रहा है जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है, कोई बंद बर्तन ले लें, कांच का कोई बर्तन ले लें ताकि दिखाई दे, उसमें जब हम पानी को या कोई लिक्विड है उसको भाप में बदलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि उसको गर्म करेंगे तो जो ऊष्मा है वो द्रव के रूप में है, तो ऊष्मा लेकर के उसके अणु द्रव की सतह को छोड़ेंगे, उसी को हम भाप कहते हैं। तो कह रहा है जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह से वाष्प प्रावस्था में चले जाते हैं तथा अनेक जल के अणु द्रव की सतह से टकरा कर वाष्प प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में समाहित हो जाते हैं। तो जब हम किसी कांच के बीकर में जो बंद है उसमें से पानी को भर करके नीचे से गर्म करते हैं तो कुछ ऊर्जा को लेकर के पानी के अणु उच्च गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो पानी की सतह को छोड़ करके ऊपर आ जाते हैं। करा उन्हीं में से कुछ अणु ऐसे होते हैं जो फिर टकरा करके वाष्प प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में समाहित हो जाते हैं, यानी ऊपर बर्तन में टकराएंगे फिर टक्कर से वो द्रव में जाते हैं और भाप से फिर द्रव बन जाते हैं। इस प्रकार द्रव एवं वाष्प के मध्य एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। तो अब लिक्विड और वेपर के बीच में, यानी द्रव और भाप के बीच में एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि द्रव से भाप बन रही है, भाप से द्रव बन रही है, तो द्रव से भाप, भाप से द्रव ऐसे बनना चालू हुआ था। हमने बताया है कि भाप द्रव से भाप बन रहा है यानी रिएक्शन आगे को जा रही है, फॉरवर्ड, और भाप से फिर द्रव बन रहा है यानी रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, तो दोनों दिशा में रिएक्शन हो रही है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप द्रव की सतह पर एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। जब ये गतिक साम्य काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, ध्यान दीजिए ये गति का साम्य है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब लगातार गति में है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की दर लगातार गतिमान है, गति का साम्य यानी काइनेटिक इक्विलिब्रियम में। तो कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप द्रव की सतह पर एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के अणु द्रव से जब भाप में बदलेंगे तो बर्तन से टकराएंगे, टक्कर मारेंगे तो बर्तन में एक दाब उत्पन्न होगा, क्योंकि वाष्प के अणु टकरा रहे हैं इसलिए वाष्प दाब कहा जा रहा है, तो वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तब जल का वाष्प दाब बढ़ने लगता है और अंत में स्थिर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि पहले जब कम भाप बनेगी तो धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ेगा, लेकिन जितना हम आग जला रहे हैं, मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा दे रहे हैं,
तो सीमा है कि 50 जूल ऊर्जा से कितनी द्रव से भाप बनेगी, तो वो एक निश्चित दर से फिर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो कह रहा है ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि निकाय में साम्यावस्था स्थापित हो गई। तो अब क्या होता है, जब वाष्प दाब बढ़ करके स्थिर हो जाता है तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाती है, साम्यावस्था, यानी द्रव से भाप, भाप से द्रव। इस प्रकार से जब दाब स्थिर हो गया तो जितना द्रव से भाप बन रही है उतने भाप से द्रव बन रहा है, एक गतिक साम्य हो गया, काइनेटिक इक्विलिब्रियम। यद्यपि यह साम्य स्थैतिक नहीं है तथा द्रव की सतह पर द्रव एवं वाष्प के बीच अनेक क्रियाकलाप होते रहते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो काइनेटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है ये स्थिर नहीं है, कह रहा है स्थिर नहीं है। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जो है अगर हम उसको ऊष्मा देना बंद कर देंगे, आग जलाना बंद कर देंगे, तो भाप फिर से द्रव में बन जाएगी और ये जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था, ये टूट जाएगी। इसलिए कह रहा है कि स्थिर नहीं है। तो देखिए, जब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, साम्यावस्था, तो उस समय क्या होता है, वाष्पन पर, इस प्रकार साम्यावस्था पर वाष्पन की दर संघनन दर के बराबर हो जाती है। संघनन को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन। द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन यानी वेपराइजेशन, और वाष्प से द्रव का बनना संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि साम्यावस्था पर वाष्पन की दर तथा संघनन की दर बराबर हो जाती है। तो अब समझ में आ गया कि साम्यावस्था का मतलब क्या है, कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है तब उसको हम साम्यावस्था कहेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि H2O द्रव, इक्विलिब्रियम H2O वाष्प, यानी द्रव और वाष्प, लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में है। वैसे लिखना चाहिए गतिक साम्य यानी काइनेटिक इक्विलिब्रियम में। आप देखिए, बता रहा है कि यहाँ दो अर्ध तीर इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तथा अभिक्रियाओं एवं उत्पाद के साम्यावस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। तो देखिए, जो ऊपर की तीर बनाई गई है वो आधी है और नीचे की तीर भी आधी है, पूरी ये ऐसे तीर नहीं बनाई गई है, इस प्रकार से तीर नहीं है। देखिए, इस प्रकार से होती तो मतलब होता है कि पूरी रिएक्शन आगे को जा रही है, आधी तीर इधर को है, आधी इधर, मतलब इधर भी पूरी रिएक्शन में आधा भाग फॉरवर्ड है यानी आगे की ओर, और आधा भाग बैकवर्ड है यानी पीछे की ओर, ये कहने का मतलब है। आप देखिए, कह रहा है कि भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में साम्यावस्था स्थापित हो सकती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्फ्यूज नहीं होना है, केमिकल रिएक्शन और जो हमारी भौतिक प्रोसेस हैं, फिजिकल प्रोसेस, जैसे ये द्रव से भाप बन रहा है, भौतिक प्रक्रिया है, तो इन सब में इक्विलिब्रियम आ सकता है। अभिक्रिया का तीव्र अथवा मंद होना उसकी प्रकृति एवं प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जो रिएक्शन होती है वो फास्ट है कि स्लो है, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हमारा रिएक्शन है उसका नेचर क्या है और हम प्रैक्टिकल किस कंडीशन में कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया कब धीमी होगी, कब तेज होगी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, आगे देखते हैं, कह रहा है जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिक्रियक क्रिया करके उत्पाद बनते हैं तो उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है कि एक बोरी में गेहूं भरा हो और उसको धीरे धीरे निकालिए तो बोरी में गेहूं कम होगा और बाहर ज्यादा धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जब रिएक्शन होती है तो जो अभिकर्मक हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उत्पाद बनेंगे तो
तो अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी धीरे धीरे और प्रोडक्ट यानी उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी धीरे धीरे। तो वही कह रहा है कि जब स्थिर ताप पर बंद पात्र में रिएक्शन की जाती है तो हमारा रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट यानी उत्पाद की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती है, किंतु जब समय पर किंतु कुछ समय पश्चात ना तो अभिक्रियकों के संदर्भ में और ना ही उत्पाद के संदर्भ में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे स्थिति में निकाय में गतिक साम्य या डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है तथा अग्रिम पार्श्वगामी अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि चूंकि रिएक्शन दोनों ओर चल रही है तो जितना प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद उतना फिर से पलट के रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक बन जाता है। तो जितनी दर से उत्पाद बनता है उतनी दर से अभिकर्मक पलट के बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, गतिक साम्य यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। काइनेटिक इक्विलिब्रियम हम गलत कह रहे थे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए बात आ ही गई है तो इसको हम समझ लेते हैं, डायनेमिक मतलब गतिक साम्य। तो चूंकि अभिक्रिया है इसलिए डायनेमिक वर्ड यूज किया गया है और काइनेटिक वर्ड हम यूज करते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ऊर्जा लेकर के, और इसमें रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन की वजह से डायनेमिक वर्ड यूज किया है, काइनेटिक वर्ड यूज नहीं किया है। तो ये बात भी हमको समझने की जरूरत है कि गति को काइनेटिक भी कहते हैं और डायनेमिक भी कहते हैं, कब काइनेटिक कहेंगे कब डायनेमिक कहेंगे ये भी समझना जरूरी है। तो डायनेमिक का मतलब है एबिलिटी टू चेंज, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जबकि काइनेटिक का मतलब है मोशन गति। तो जैसे कोई पिंड है वो गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि पिंड पार्टिकल पार्टिकल ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, इसलिए डायनेमिक वर्ड यूज है काइनेटिक नहीं। तो डायनेमिक का मतलब है एबिलिटी टू चेंज यानी चेंज होने की जो प्रक्रिया है, तो चेंज को डायनेमिक कह रहा है। और गतिक का मतलब गतिमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई पिंड जा रहा है तो पिंड ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो जब चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक और जब चेंज होगा तो डायनेमिक वर्ड यूज करेंगे। ये बहुत बारीक बात है और लोग ध्यान नहीं देते। अब आगे देखते हैं, तो अग्रगामी और पश्चगामी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उनका रेट सेम हो जाता है, इसी कारण इस अवस्था में अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि जितना उत्पाद बनेगा उतना पलट के फिर प्रोडक्ट बन जाएगा और जितना प्रोडक्ट बनेगा पलट के फिर उत्पाद बन जाएगा, तो सांद्रण यानी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, होता है तक। इस आधार पर कि साम्यावस्था पहुंचने तक कितनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम आने तक रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट है, इसको अगर बेस बनाया जाए तो इसको बेस बना करके हम रिएक्शन को तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला कह रहा है प्रथम समूह में वो अभिक्रियाएं यानी रिएक्शन आती हैं जो लगभग पूर्ण हो जाती हैं यानी कंप्लीट हो जाती हैं तथा अभिक्रियाओं की सांद्रण नगण्य रह जाती है, अभिक्रियकों यानी रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं वो लगभग नहीं बचते हैं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदल जाते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में से अभिक्रियकों की सांद्रण इतनी कम हो जाती है
कि उनका परीक्षण प्रयोग द्वारा संभव नहीं हो पाता। तो कुछ में तो कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, कि अगर हम रिएक्टेंट को खोजें भी तो प्रयोग के द्वारा भी खोजना मुश्किल हो जाता है। अगला कह रहा है, द्वितीय समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनते हैं तथा साम्य अवस्था पर अभिक्रियकों का अधिकतर भाग अपरिवर्तित रह जाता है। तो कुछ रिएक्शन जो द्वितीय समूह में रखी गई हैं वो रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बनता है, ज़्यादातर रिएक्टेंट ही रह जाता है। तीसरे समूह में कौन सी रिएक्शन आती हैं? तो इनमें वो रिएक्शन आती हैं, कह रहा है, जिनमें अभिक्रियकों यानी रिएक्टेंट एवं उत्पादों यानी प्रोडक्ट की सांद्रण साम्यावस्था में तुलना योग्य हो। तो तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इतना अभिक्रियक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन जाते हैं कि इक्विलिब्रियम तुलना योग्य हो जाता है, यानी उसमें हम कैलकुलेशन या एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम पर अभिक्रिया किस सीमा तक पूर्ण होती है या उसकी प्रायोगिक परिस्थितियों जैसे अभिक्रियकों की सांद्रण ताप आदि पर निर्भर करती है। तो इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर आ गया है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो रिएक्शन होती है हमारी वो इक्विलिब्रियम में किस लेवल पर पूर्ण होगी वो हम उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर द्वारा निर्धारित होगा। उद्योग तथा प्रयोगशाला में परिचालन परिस्थितियों यानी ऑपरेशनल कंडीशन का इष्टतमीकरण यानी ऑप्टिमाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो हम कंडीशन है प्रयोगशाला में, परिचालन परिस्थितियां यानी किस प्रकार से हम रिएक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, वो कंडीशन एवं ऑप्टिमाइज यानी किस प्रकार से हम उसको इष्टतमीकरण मतलब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब किस तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि साम्यावस्था का झुकाव इच्छित उत्पाद की दिशा में हो, यानी जो हम उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं अपनी इच्छा से उस प्रकार से रिएक्शन चल सके। उसके लिए प्रैक्टिकल करते समय जो हमारी लेबोरेटरी होती है प्रयोगशाला, उसमें ऑपरेशनल कंडीशन और ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट ना हो, जैसे जिस दिशा में चाहे उधर चले, उसके लिए हमें अच्छे योग्य ड्राइवर की जरूरत होती है, तो जिधर चाहेंगे उधर गाड़ी जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी प्रकार प्रैक्टिकल में रिएक्शन अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट यानी उत्पाद बने, तो उसके लिए लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में हमें किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, इस एकक में हम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में साम्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ साथ जलीय विलयन में आयनों के साम्य, जिसे आयनिक साम्य कहते हैं, को भी सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे जलीय विलयन के साम्य हैं उसके साथ साथ कुछ अन्य जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कुल मिला के इक्विलिब्रियम में आयन को भी शामिल करेंगे, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होता है। तो पहले हम भौतिक प्रक्रमों यानी फिजिकल प्रोसेस जो हैं उनमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर केमिकल वाले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। तो भौतिक प्रक्रम यानी फिजिकल प्रोसेस जो हैं के अध्ययन द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इसके सुविदित उदाहरण है, यानी किसी प्रावस्था को चेंज कर दिया जाए।
जैसे हमारा पानी ठोस, द्रव और भाप यानी गैस, तीन प्रावस्थाओं में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकती है, ठोस से गैस बन सकता है, और ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, यानी ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से फिर ठोस बनेगा, द्रव से गैस बनेगी, गैस से फिर द्रव बनेगा, ठोस से गैस बनेगी, गैस से फिर ठोस बनेगा। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस रहता है। अब देखिए, हम ठोस द्रव प्रावस्था, ठोस द्रव में जो साम्यावस्था होती है, ये पहली वाली, उसके बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखिए, कह रहा है कि पूर्ण रूपेण रोधी यानी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ एवं जल, यह मानते हुए कि फ्लास्क में रखे पदार्थ एवं परिवेश में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, 273 केल्विन तथा वायुमंडलीय दाब पर साम्यावस्था में होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमें थर्मस फ्लास्क लेना है, जैसे खाना रखते हैं थर्मस के अंदर, तो बहुत देर तक वो गर्म बना रहता है, यानी उसकी ऊष्मा वातावरण में निकल करके नहीं जा पाती। तो हमको एक ऐसा थर्मस लेना है कि पूर्ण रूपेण रोधी हो, यानी इंसुलेटेड हो, यानी एक भी एनर्जी उसके अंदर की बाहर नहीं जाना चाहिए एटमॉस्फेयर में, तभी हम सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसा हालांकि संभव नहीं, लेकिन अब मानना पड़ेगा। तो कह रहा है, खुद ही इसलिए कह रहा है कि हम मानते हुए कि फ्लास्क में रखे पदार्थ एवं परिवेश यानी बाहर का जो वातावरण है, में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, हम ये मानेंगे, तो 273 केल्विन तथा वायुमंडलीय दाब पर साम्यावस्था में होते हैं। तो 273 केल्विन का मतलब ये लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 272 केल्विन 273 है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कह रहा है, उस कंडीशन में बर्फ और पानी थर्मस फ्लास्क के अंदर इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ध्यान देना है, इस निकाय, अब देखिए निकाय शब्द बार बार आ रहा है, इसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब जैसे थर्मस फ्लास्क के अंदर हमारा जो पानी और बर्फ इक्विलिब्रियम में है, थर्मस फ्लास्क के अंदर, तो ये बर्तन है सिस्टम, और जो हमारा वातावरण है बाहर का, ये सराउंडिंग है। तो करा यह निकाय रोचक अभिलक्षणों को दर्शाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये आनंदपूर्ण ढंग के कुछ ऐसे लक्षण आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये कह रहा है रोचक अभिलक्षणों को दर्शाता है। हम यहां देखते हैं कि समय के साथ साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों का कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर रहता है, परंतु साम्यावस्था स्थैतिक नहीं है। तो हम यहां देखते हैं कि बर्फ और जल का जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं होता है तथा टेम्परेचर स्थिर रहता है। जैसे बात, जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी थर्मस के अंदर से, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, परंतु साम्यावस्था स्थैतिक नहीं है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है। बर्फ एवं जल के मध्य अभी भी तीव्र प्रक्रियाएं होती हैं। तो जल और पानी के, पानी और बर्फ के अंदर अब भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी फास्ट इंटरेक्शन होता है। तो देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, यानी स्थैतिक नहीं है, स्थिर नहीं है। द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटेड एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। तो पानी और बर्फ के जो बाउंड्री है, बीच की रेखा है, उसके बीच अब भी इंटेंस एक्टिविटी है। यानी कहने का मतलब ये है
की तीव्र प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। जल द्रव के अणु बर्फ से टकराकर उनमें समाहित हो जाते हैं तथा बर्फ के कुछ अणु द्रव प्रावस्था में चले जाते हैं। तो एक प्रक्रिया चल रही है कि बर्फ पानी में टकरा करके समाहित हो जा रही है, पानी बर्फ में, इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। बर्फ एवं जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जितना बर्फ है उतना जल भी है, केवल अदल बदल रहे हैं। तो अदल बदल इस अनुपात में रहे हैं कि बर्फ और जल का द्रव्यमान जितना है उतना रह रहा है, क्योंकि जल अणुओं की बर्फ से जल के स्थानांतरण की दर तथा जल से बर्फ के स्थानांतरण की दर 273 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब पर बराबर होती है। तो जितना बर्फ है उतना जल है, जबकि एक दूसरे में बदल रहे हैं, तो बदलने की प्रक्रिया नियत है, यानी जितना बर्फ से जल बन रहा है उतना जल से बर्फ बन रहा है, क्योंकि 273 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना बर्फ जल में बनती है उतना जल बर्फ में बनता है, ये ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब कि ये काइनेटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी गतिक साम्य की स्थिति है। तो कह रहा है यह स्पष्ट है कि बर्फ एवं जल केवल किसी विशेष ताप एवं दाब पर ही साम्य में होते हैं, कोई निश्चित टेम्परेचर होगा हर एक रिएक्शन के लिए। तो वही कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वो ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली लाइन है कि वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह कंडीशन हम लोगों को समझना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी शुद्ध पदार्थ, ध्यान दीजिए, जो पदार्थ होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस। दो चीजें ध्यान रखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्योर सब्सटेंस, इनके लिए वो टेम्परेचर जिस पर ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में होंगी पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। तो मानक गलनांक यानी स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, मानक हिमांक का मतलब स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको इंग्लिश में पहले देखते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है। तो मानक का मतलब अंग्रेजी में नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, नॉर्मल वर्ड नॉट स्टैंडर्ड हमने बोला है, मानक इसमें नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मल ही समझेंगे। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु क्या होता है, जिस जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो और हमारा जो पदार्थ लिया गया है वो शुद्ध हो, तो द्रव से जब ठोस में बदलता है तो उसको मानक हिमांक या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर 1 atmospheric प्रेशर हो और शुद्ध पदार्थ हो, तो जिस टेम्परेचर पर ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव के साथ ही मतलब बदलता है द्रव में, उसको हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में ठोस एवं द्रव। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी उसको नॉर्मल मेल्टिंग और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, अलग अलग नहीं परिभाषित कर सकते। तो इसको ध्यान देना कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब होगी, मतलब जितनी बर्फ से पानी बन रहा है उतने पानी से बर्फ बनेगा, तब ये परिभाषा देंगे। तो तीन चीजें ध्यान रखना है कि कौन सा टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो तीन चीजें, वायुमंडलीय दाब को ध्यान रखना है, शुद्ध पदार्थ को ध्यान रखना है और साम्यावस्था को ध्यान रखना, तब ये हम आंसर दे सकते हैं, मानक गलनांक और मानक हिमांक। अब आगे देखते हैं, कह रहा है यह निकाय दाब के साथ केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है,
इस प्रकार यह निकाय गतिक साम्य में होता है, यानी टेम्परेचर प्रेशर के साथ बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, यानी गतिक साम्य होता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसके निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तो इसके हमको क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड, ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना है, साथ साथ हो रहे हैं, दोनों प्रक्रियाएं समान दर से होती हैं, जितनी मात्रा में ठोस से द्रव बन रहा है उतनी मात्रा में द्रव से ठोस बन रहा है, इससे बर्फ एवं जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। इससे क्या होता है कि बर्फ और जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो पूरा अंडरलाइन कर लिया, अब हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते, पहला ये, दूसरा ये दो निष्कर्ष हमको प्राप्त होते। अब आगे आ जाता है हमारा द्रव प्रावस्था, द्रव वाष्प साम्य अवस्था, यानी लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।